उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा। सांबा में एक रैली को खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी पर मुल्क को तोड़ने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने बीजेपी के नाम लिए बिना ही कहा कि ये लोग मजहब के बिना पर लोगों को वोटों में बांटना चाहते हैं। ये कभी जिन्ना की बात करते हैं तो कभी बाबर और औरंगजेब की, जिनका अब हमसे कोई लेना देना नहीं है। अरे हमने बहुत बुरे वक्त देखे हैं, मगर हम चाहते हैं ये खून खराबा बंद हो, हमेशा के लिए बंद हो, हम चैन से रहे, आराम से रहे, मगर ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे, जिन्ना जिन्ना करते रहे। अब तो जिन्ना को छोड़ के अब तो बाबर को याद करते हैं, अब तो औरंगजेब को याद करते हैं। अरे औरंगजेब आज से 500 साल पहले था, बाबर 800 साल पहले था, हमारा उसके साथ क्या लेना देना।